सलाम पाकिस्तान नाजरीन, मैं हूं साजिद रिजवी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नामा। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आसफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे डाल रखे हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है आसफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे क्यों डाल रखे हैं। आसफ अली जरदारी पंजाब से अपना वोट बैंक निकालना चाहते हैं। आसफ अली जरदारी चाह रहे हैं कि उनका बेटा बिलावल भुट्टो वजीर आजम पाकिस्तान बन जाए, जो ऐसा होता मुमकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरियाती कारकुन बिलावल भुट्टो को वजीर आजम नहीं देखना चाहते। इसका मतलब यह हुआ कि आसफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरियाती कारकुनों के दरमियान खरफशार आ चुकी है, यानी कि दरार आ चुकी है। अब देखना यह है कि आसफ अली जरदारी अपने बेटे को वजीर आजम पाकिस्तान बनवाने के लिए कामयाब होते हैं या नहीं। दूसरी बात, अगर आसफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो वजीर आजम पाकिस्तान बनते हैं तो नून लीग का क्या बनेगा? नून लीग भी अपना वोट बैंक पंजाब से निकालना चाह रही है, जबकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त टूट फूट का शिकार है, जिसका फायदा नून लीग उठाना चाहती है। और पंजाब में नून लीग अपना वोट बैंक निकाल के वजीर आजम पाकिस्तान की सीट जीतना चाहती है। अब देखना यह है कि पंजाब से अपनी सीटें निकालने में कौन कामयाब होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आने वाले इलेक्शन में जिस पार्टी का वजीर आला पंजाब आएगा उसी का वजीर आजम पाकिस्तान आएगा। हाँ, यह जरूर होगा कि किसी दो जमातों का या तीन जमातों का इतिहाद बन जाए और उसी जमात का यानी कि पीपल्स पार्टी का वजीर आजम या वजीर आला पंजाब हो और दूसरी जो इतिहादी पार्टी हो उसका वजीर आला या वजीर आजम पाकिस्तान हो। तो नाज़रीन, देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त टूट फूट का शिकार है वो कहां तक पहुंचती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ जाने वाले कारकुनों की सरबराही डॉक्टर मुराद रास कर रहे हैं, जिन्होंने एक ग्रुप तश्कील दिया है और उस ग्रुप ने ऐलान किया है कि हम ना तो जहांगीर तरीन के साथ जाएंगे, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे और ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जाएंगे, और उन्होंने अपनी पार्टी भी रजिस्टर नहीं करवाई। अब देखना यह है कि ये जो नजरियाती कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये इलेक्शन से पहले क्या तहरीक इंसाफ में वापस आ रहे हैं। अगर ये लोग वापस आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अपसेट होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी। अगर ये नजरियाती कारकुन आइंदा आने वाले दिनों में अपने ग्रुप के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आ गए तो ये दोनों जमातों की सियासत खत्म हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा आसफ अली जरदारी साहब को पंजाब में बैठने का, और कोई फायदा नहीं होगा मरियम नवाज को जो पंजाब की सरगर्म रुकन है और पंजाब की सियासत उनके हवाले से चल रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐसा क्या करेगी कि आसफ अली जरदारी जो कि पंजाब में बैठे हुए हैं वो अपनी सियासत में फेल हो जाए, जबकि आसफ अली जरदारी को मफाहमत का बादशाह कहा जाता है। अगर वो पंजाब में बैठे हैं तो इसका मतलब है कि पंजाब की सियासत में कोई बड़ी हलचल आने वाली है। अब होगा क्या ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन आसफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी हलचल होने वाली है, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हो। ऐसा भी हो सकता है कि मफाहमत के बादशाह आसफ अली जरदारी इमरान खान के साथ खड़े हो जाए। आसफ अली जरदारी पहले ही पीडीएम में नहीं है, ऐसा हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन में एक बड़ा इतिहाद सामने आ जाए जो पीटीआई और पीपल्स पार्टी का हो। मैं आपको एक बार फिर बताता चलूं कि आसफ अली जरदारी मफाहमत के बादशाह हैं,
वो अपने बेटे को वजीर आजम पाकिस्तान बनवाने के लिए किसी हद तक भी जा सकती है, पीटीआई के साथ भी बैठ सकती है। ये हम आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे। इसके साथ ही मुझे दे इजाजत, खुदा हाफिज़।